ये जहर फैल चुका है और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई 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 इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज़्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। मुझे फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मज़हब ही नहीं है। मज़हबी तालीम मुझे मिली थी और रत्ना को बहुत कम मिली थी, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा मिली थी, उसको बिल्कुल भी नहीं। एक लिबरल हाउस होल्ड था उसका, और हमने अपने बच्चों को मज़हबी तालीम बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छाई और बुराई का मज़हब से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छाई और बुराई के बारे में ज़रूर उनको सिखाया, जो हमारे बिलीव्स हैं दुनिया के बारे में वो हमने उनको सिखाए। कुरान शरीफ की एक आध आयत याद ज़रूर करवाई, क्योंकि मेरा मानना है कि उसका तलफ़ सुधरता है उसके रियाज से, जिस तरह से हिंदी का तलफ़ सुधरता है रामायण या महाभारत पढ़ के इन इट्स ओरिजिनल। और खुशकिस्मती से मैंने बचपन में अरबी कुरान शरीफ पढ़ी थी, कई आयतें मुझे अब भी याद हैं, उसकी वजह से मेरे ख्याल से मेरा तलफ़ है। तो फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है, क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है, और मैं चाहता हूँ कि हर राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए हमें। हमारा घर है, हमें कौन निकाल सकता है यहाँ से।